इलेक्शन मुलतवी करने पर मौलाना फजल रहमान की राय काबिले कदर। पीटीएम इजलास में गौर होगा। इंतखाबात करवाने का फैसला हुकूमत नहीं इलेक्शन कमीशन ने करना है। जो हालात हैं इसमें इलेक्शन मुहिम मुमकिन दिखाई नहीं देती। पुलिस अदालती हुक्म की तकमील के लिए जमान पार गई। पता चला कल इमरान खान ने हमसाये की दीवार फैलाकी। ड्रामे करना इनका वतीरा बन चुका। राना सनाउला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के केस में वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई वकला का इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू करने का फैसला। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जमान पार कामद। इमरान खान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुकदमात के हवाले से बातचीत। खदशा है मोबाइल डाटा को तोड़ मरोड़ कर किसी खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे कबल भी मेरी मुख्तलिफ वीडियोस को जोड़कर एक ऑडियो बनाई गई थी। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर नहीं तीन नकात पर सादिक और अमीन करार दिया था। एक वक्त था नवाज शरीफ अदालतों के पसंदीदा थे। ताकतवर लोग मुल्क का फैसला नहीं कर सकते। मेरे मरने के बाद एक किताब शाया होगी जिसमें तमाम हकायक शामिल होंगे। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार के होशनुमा इंकशाफात। मरियम नवाज आजम नजीर तारड़ के खिलाफ तोहिने अदालत की कार्रवाई की दरख्वास्त नाकाबले समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने महफूज फैसला सुना दिया। नून लीग ने हमेशा नौजवानों को रोजगार कारोबार और तालीम के मौके फराहम किए। यूथ प्रोग्राम को मजीद वसत दे चुके। नौजवानों को सच और झूठ का फर्क समझना होगा। मरियम नवाज का इजलास का खिताब। यूथ विंग पंजाब के तंजीमी ढांचे और सरगर्मियों का जायजा। सोशल मीडिया पर यूथ विंग को मजीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज पेश। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजवा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अब इंतखाबात की तैयारियों का जायजा। इलेक्शन कमीशन का फंड सिक्योरिटी एहलकारों की फ्राहमी के लिए विफाक से जल्द राबता करने का फैसला। घड़ी चोर पुलिस को देखकर छुप जाता है। औरतों और बच्चों को ढाल बना लेता है। गीदर सिर्फ बिल में बैठ सकता है। इमरान खान जानते हैं जिस दिन अदालत में पेश हुए पकड़े जाएंगे। ये इदारों के खिलाफ मुहिम जोई करते हैं लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। एहतसाब का निजाम इमरान खान के आगे बेबस है। मरियम औरंग से। इमरान खान ने मुल्क में नफरत फैलाई। उनका मकसद सिर्फ वजीर आजम की कुर्सी पर बैठना है। पीटीआई को जमहूरी रिवायात दफन करके लाया गया था। सबको मालूम है कराची की 14 सीटें छीन कर दी गई। आपने फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने हर उस शख्स का सर कलम किया जिसने उन पर एहसान किया। मुस्तफा कमाल। इमरान खान पर हमले में एक नहीं तीन लोग मुलव्वस थे। वफाकी हुकूमत ने इस केस में अपनी नई जीआईटी बना दी। इंपोर्टेड हुकूमत की नीयत खराब है। इनकी कोशिश है हमले की दुरुस्त तहकीकात ना हो। हम चाहते हैं पुरानी जीआईटी के मुताबिक ही सारा काम चले। उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। यास्मीन राशिद। बलोचिस्तान के जिला बोलान में कौमी शाहरा पर बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी के करीब धमाका। 9 अहलकार शहीद, 13 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। आईएमएफ का स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ग्रीन सिग्नल का इंदिया। मुआशी टीम से मुजाकरात में अहम पेशरफ्त। रवां हफ्ते में मामला तय पाए जाने का इम्कान। 4 मरतबा MEFP के अहदाफ पर मुतमईन किया गया। ज़रे मुबादला ज़खायर बेहतर होने से आखिरी पेशगी शर्त भी पूरी।
तनख्वाहों पर 35 से 40% तक टैक्स का फैसला नाकाबिले कबूल। कौमी एयरलाइन के पायलट्स ने मुस्ताफी होना शुरू कर दिया। 2 दर्जन से ज्यादा पायलट्स ने इस्तीफे दे रखे हैं जिन्हें मंजूर नहीं किया जा रहा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ब्राय एविएशन के इजलास में इंकशाफ। PIA हुकाम की जानिब से इस्तीफों की तस्दीक।